तो आप लोग कैसे हो? आशा करते सब कुशल होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज मंदिर से। बहुत दिनों बाद दोस्तों मैं कर रही हूँ मंदिर से शुरुआत, क्योंकि कई दिन से ऐसे ही हो रहा था, नहाना धोना पूजा पाठ कुछ भी नहीं करी। आज मैंने पूजा भी करी और आपको अपने साथ साथ आपके भगवान जी के दर्शन करा दिए हैं। तो ये देखिए, कीजिए मेरे भगवान जी के दर्शन और अपने दिन को कीजिए शुभ। तो करते हैं दोस्तों आगे काम धंधा शुरू, दिनचर्या जो भी होती है आपके साथ शेयर होती है। बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, देखो सारे मले पान वगैरह सूख के ऐसे हो गए, इतने अच्छे हो गए थे, बीच में फूल हरे भरे सारे सूख गए। इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि मतलब फूल पत्तों को तो पानी देके भी कोई फ़ायदा है। अभी मैंने इनमें पानी डाला था और ये सारे सूख गए हैं। ये देखिए, देखो दोस्तों हर एक उसमें मले पान सूख गया, देखने में भी मज़ा नहीं आ रहा फूलों को। बीच में इतना अच्छा लगा था इनको देख के, लेकिन अब सारे सूख रहे हैं, पता नहीं क्यों। इतनी तेज़ धूप है उसका कोई हिसाब ही नहीं। काम धंधे की शुरुआत हो चुकी है, बच्चे तो ट्रिप पर गए हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया अपने ब्लॉग के माध्यम से, दो चार दिन के लिए। बाकी भूमि और लब्बू हैं, लब्बू लगे अपने काम पर। देखो लब्बू के पापा और गुन्नू दीदी, देखो ऐसे इसने नाश्ता भी करा, फिर ये शुरू हो गए क्योंकि गुन्नू उसको डांटते रहती थी और इससे फ़ोन ले रही थी। अब इसे कोई चिंता भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है किसी की, और फिर भी ऐसे फ़ोन पर लगी। देखो आप फ़ोन छोड़ रही हो या मैं गुन्नू दीदी को फ़ोन करूँ? जल्दी बताओ, खाना खाया ना आपने? फ़ोन देखते तो छोड़ो, अब छोड़ो फ़ोन जल्दी। और भूमि अब भी जग रही है सोके और अब जा रही है नहाने के लिए। बाकी रसोई में भी इसके पापा ऑफिस चले गए हैं, नाश्ता पानी वगैरह सब हो गया हम लोगों का और काम करते हैं। धो रही है कपड़े, मशीन लगाई हुई है क्योंकि कपड़े बहुत सारे, मैं हल्का हल्का सा काम मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा खड़े खड़े से। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ अभी आपको जल्दी ही। दोस्तों देखिए हमारे घर में कौन आया है, सिया दीदी और दिव्या और आंटी आई हैं और लब्बू इनके साथ खेल रही है। चलो सुबह में नी भी आए, दुख में तो आए, तो मेरी याद तो आई इनको दुख में, जिससे मिल गई है बहुत दूर से आए, बहुत अच्छे बिल्कुल पास में मिलने, और इतने दिनों बाद मैं तो बात करनी भी छोड़ देती हूं। हां और ये भी खेल रहे हैं, अब भी खेल रही है। टिम्मू देखो, तुम्हें मिस किया। टिम्मू मैं तुझसे मिलने आई थी लेकिन तू है नहीं, बट मैं दोबारा आऊंगी जब तू आ जाएगी। अब तुम क्या टिम्मू से मिलने आई थी या टिम्मू से मिलने आई थी बताओ? मेरे लिए तो दोनों से आई थी। देखो देखो कौन आया हमारे घर मुझे देखने, ये पता इनकी भी यही सर्जरी। मंजू पहले बोलने वाली हो जा, हंसने वाली हो जा, फिर आएंगे हम, ऐसे में नहीं आएंगे ना। पुष्पा जी का फ़ोन आया था मुझे, कह रही है बोलने वाली हो जाओ, हंसने वाली हो जाओ, फिर मिलेंगे। तो आज फाइनली इन्होंने टाइम निकाल लिया है और ये मेरे से मिलने आ गए हैं। सही बात है, जल्दी से हम भी चाहते हैं जल्दी से मंजू ठीक ठाक हो, पहले जैसे वो ब्लॉग यहाँ मौज मस्ती है ना। तुम बताओ, उस दिन मैंने दिखाया था इनके सालगिरह में गए थे, इतना अच्छा मौका दिया इन्होंने हमें एंजॉय मस्ती करने का, बहुत मजा इन्हीं की थी। आज देखो कैसी लग रही है, उस दिन बताना कैसी लग रही थी और आज देखो। नहीं नहीं नहीं, अरे आज अच्छी, उस दिन कुछ अलग ही लुक था दुल्हन वाला और आज देखो इन्हीं की थी। दोस्तों एक दिन मैंने आपको दिखाया था, दुल्हन भी लग रही थी, ऐसा लग रहा था एंगेजमेंट हो रही थी इनकी, है ना। दोनों जने मेरे से मिल रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया हमारे, टाइम निकाला, प्यार मेरा। आप हमारी क्या हो? जान हो और हमारे ग्रुप की शान हो। थैंक यू सो मच। है सही में? सही कह रही है? बिल्कुल सही कह रही हूँ। नहीं तो इतना इतनी दूर से यहाँ पर फ्लांग मारने नहीं आते, चार लोग और भी रहते हैं। सही बात है यार, क्योंकि नेचर है जो हम लोगों को आपस में जोड़ते हैं। सही बात है, इनका नेचर भी इतना अच्छा है, सिया की मम्मी ना बहुत अच्छी, मुझे इनका हंसना बहुत अच्छा लगता दोनों का ही। ये देखो यार, हम खुद अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, वही ऐसे खींचते हैं अपने दरवाजे से। इनके बातें सुन लो, अगर अगर नहीं आती तो मन में से वाइब्रेट होता है कि आई यार मार दी, हम लोग नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। उसके आने के थे अरोरा के यहाँ, नहीं इसीलिए नहीं आ रहे थे। कल गरिमा और वो भी आए थे ना नीचे, तो भाभी ऐसे पूछते थे फोन में, भाभी ठीक हो? हम आए हैं और अब आप ठीक हो जाओ, फिर आए। कल आए थे वो भी, गरिमा लोग भी कल ही आए थे। बेचारी बोल रही यार, मैं बोल रही हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, लगता है ना
फिर भी लगता है भी सामने वाले को कोई परेशानी ना हो। नहीं ठीक है, मैं है आना है घर जाना है तो नेचुरली जैसे हम आए हैं आप उठ के बैठते हैं थोड़ा, लेकिन तब थोड़ा परेशानी तो बाद में फिर दो चार दिन में थोड़ा हील भी हो जाए ना जो उसके स्टिचिंग वगैरह लग गया थोड़ा हील भी हो जाता है तो ठीक हूँ। अब तो आप लोगों की दुआओं से, मैं कह रही हूँ ना आप लोगों के प्यार से दुआओं से अच्छी हो गई जल्दी। कितनी एमएम की थी वैसे पथरी? अरे बहुत सारी थी, 9 एमएम की थी कुछ तो, ऐसे गोल बेर के दानों के बराबर थी गोल और छोटी छोटी काली मिर्च की तरह थी कुछ। चलो ठीक हूँ अब तो ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच, ऐसे आते रहना ओके। देखो दोस्तों कितने मस्त हो रहे हैं बच्चे, चलो कम से कम सिया और दिव्या बोर तो नहीं हो रहे बेटा? बोर हुए आप? हुए बोर? नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है ना, भूमि मिल गई ना, क्योंकि भूमि से इनकी जान पहचान थी पहले से ही, ये लोग वहाँ आते थे तो इसलिए ये बोर भी नहीं हुए, मज़ा भी आ रहा है और खेल रहे हैं ये भी, ये टाइम पास बढ़िया है। देखो चलो खाना रेडी है, लगाओ फिर। देखो दोस्तों लब्बू ना खाना के साथ साथ और फोन देख के खाना खा रही, देखो बताना कौन कौन देख के खाता है फोन, गंदी बच्ची है ये देखो। सब लोग खाना खा रहे हैं लंच दिन का, सिया सही हो रहा है हाँ? सही में घर जाके बोला मम्मा अच्छा नहीं बनाता खाना, अच्छा बना दिव्या हाँ? तू अच्छा, तेरी तो फेवरेट चीज बनी आज? नहीं खिचड़ी नहीं बनी है, खिचड़ी कलवा इसको तो बस खिचड़ी चाहिए भूमि को, कल मटर पुलाव बनाएंगे ठीक है, चलो खाओ फिर है। बाय। सैटरडे को तो आ जाएंगे हाँ। तो संडे को आ जाना? मंडे को आते हैं, आप भी तो पार्टी करोगे संडे को? हमने क्या पार्टी करनी है? टिम्मू के पापा के साथ में। आए नहीं तो बाय बाय। दोस्तों आज मेरे कई सारे फ्रेंड्स आए हुए थे मिलने के, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और उनका धन्यवाद आए मेरे से मिले, और उसके बाद वो लोग चले गए थे तो उसके थोड़ी रेस्ट वेस्ट करा। अब लब्बू भी जग गई, लब्बू हो रही है बोर, और इसकी मम्मी सब्जी लेने गई है भूमि, और इसकी दोनों दीदियाँ टूर पे गई हैं तो लब्बू बोर हो रही, कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है। देखो एक बार आपको दिखाती हूँ, मंदिर में आ गई है, कह रही ताई जी ताई मैं ना जय जय करूँगी, मैं जो जलाऊँगी इसके बस का तो है नहीं, लेकिन इसको है दिखाती, जोर लेके खड़ी हो गई, कह रही कि मैं जय जय करूंगी। कैसे करोगे? रुक जाओ दीदी को आन दो या मैं जलाऊंगी जोत अभी, फिर आप जय जय करना ठीक है हाँ। तो मैं और मम्मी गए थे मार्केट थोड़ा बहुत सामान लाने, और तो मैं अपने लिए और लब्बू के लिए लाई हूँ ये केले के चिप्स जो कि लब्बू को पसंद है। और बता क्या क्या लाई मैं? मैंगो टॉफी आइसक्रीम हाँ, मैं अपनी लब्बू के लिए और अपने लिए ये सब लाए। तो लब्बू अब तुम बताओ कि ये केले वाले चिप्स कैसे हैं, कैसे हो रहे हैं? ठीक है ओके, मुझे भी पसंद आया। देखो दोस्तों ये इसकी पढ़ाई हो रही है, नेल पेंट लगाया जा रहा है, नेल पेंट, नेल पेंट लगा रही थी परमानेंट मार्कर। और भूमि को ना इतने दिन आए हुए हो गए, आज कितने हो गए बेटा तुझे? 15-16 दिन हो गए ना हाँ। और आज इसने अपनी किताब खोली है, फाइनली इसने आज खोली है किताब। ये हॉलीडे होमवर्क कर रही हूँ, वो आया नहीं था ना, क्योंकि आज तक इसकी दीदियाँ घर में थी तो इसको भी फुर्सत नहीं थी, खेलने से कूदने से फुर्सत नहीं थी, और आज इसकी किताबें निकली हैं, शाम को निकली है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देखो कि ये कितनी पढ़ाकू है। अब निकाल रही है किताबें और आप बैटरी काम करने के लिए, और ये नमिता तो बस नमिता ही है, इसको तो फोन दे दो, और अब उसका बोल ले गया मार्कर लेके नेल पेंट लगा रही है। नमिता गंदी बात इधर करो, दिखाओ इधर, आप बैठ गंदी मत करना, गुनू दीदी मारेगी। देखो दोस्तों गुनू दीदी ब्लॉग देख रहे हो ना, ये देखो आपका परमानेंट मार्कर खराब है। हां ये तो गुनू दीदी का मार्कर है, गुनू इसने तेरा सारा सामान छेड़छाड़ के सही कर दिया। गुनू दीदी पापा जी मेरे लिए मोमोज, हां गुनू दीदी और टिमू दीदी वहां मजे कर रहे हैं और हम यहां पे मोमोज पार्टी कर रहे हैं। आज इनकी मोमोज पार्टी हो रही है, नहीं अपने मन से लेके आ लगा। चलो लब्बू, और लब्बू पसंद है ना, क्योंकि मोमोज देखो दोस्तों कैसे कर रही है, यानी को वैसे खाने लग गई है, और इन दोनों हाँ। खाना भी रेडी है, खाना बिल्कुल रेडी है, और लेकिन फिर भी मोमोज पार्टी है तो ये लोग मोमोज का मजा लेंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो खाना ही खाऊंगी थोड़ा बहुत, और ये खाएंगे मोमोज फिर बनेंगे रोटियां, और इनका पेट इससे भर जाएगा तो देखो लगे तीन के तीन इंतजार में कम मिलेंगे आप हाँ। और अभी लब्बू एक चीज और खाएगी, वो भी आपको दिखाएगी, आपके साथ शेयर करेगी, जो हाँ। आपको खाएगी ना आपके साथ शेयर करेगी, आपको दिखाएगी दोस्तों,
और गुन्नू टिम्मू को भी देखो, हम मजे करेंगे और अब हम करते हैं मोमोज पार्टी। खाना वगैरह रेडी हो गया है और भिंडी की सब्जी और रोटी खा रही हूँ मैं भी। भिंडी की सब्जी, लस्सी और रोटी। और टिम्मू के ना वीडियो कॉल आ रखी है पापा के लिए, तो ये लोग टिम्मू से बात कर रहे हैं। उसका फ़ोन आ रखा है, कह रही मम्मा को, हाँ देख रही हूँ देख रही बच्चा, कह रही मम्मा को दिखाओ बल। दोस्तों फाइनली खाना वाना खा के अब खाते हैं आइसक्रीम और भूमि लगा रही है सबके लिए। ये देखिए आइसक्रीम कौन सी है बेटा, ये चॉकलेट। चॉकलेट लब्बू देखो इधर, आप खाओगी? ज्यादा खाओगी कम खाओगी? कम। तो कम कम लगाना भूमि, मिल रही थोड़ी सी लगाना, हाँ एक दो थोड़ा सा और रखे, एक चम्मच और देखा, हाँ बस 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 बस, और अपने लगा ले लब्बू के लिए लगा ले। ठीक है दोस्तों, हम लोग थोड़ा आइसक्रीम का मजा लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। दोस्तों कल मैं आपको मिलती हूँ नई उमंग, नई तरंग और नई ताजगी के साथ। प्लीज मेरे ब्लॉग को खूब लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। जय श्रीमन नारायण।